हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं शिमला मिर्च की एक नई रेसिपी बनाने। तो उसके लिए हम ले लेंगे 2 चम्मच भर के, बड़े चम्मच से ले लेंगे बेसन। हम उसे अच्छी तरह से छन्नी से छान लेंगे, क्योंकि उसमें जो भी गुठलियाँ हैं वो सारा छानने से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम छान लेंगे और उसी चम्मच से हम 1 चम्मच उसमें ले लेंगे हम चावल का आटा, और दोनों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हम उसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो हमने छान लिया है अच्छी तरह से दोनों को पूरा। देखिए हमारा ये, अभी से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोनों को, क्योंकि ये चावल का आटा है और बेसन है। इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे मिर्च डालेंगे हम, और थोड़ा सा 1 चम्मच डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे 7-8। आपको जितना तीखा चाहिए उतना आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। हम थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो एकदम से पानी डाल देंगे तो ये बहुत पतला हो सकता है घोल। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। तो देखिए हमने अच्छी तरह से इसको फेटा है। अब इसे हम साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसको बंद करके रेस्ट के लिए रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। अब इस ले लेंगे हम शिमला मिर्च, उसे धो लिया है हमने। धोने के बाद उसे अच्छी तरह से हम काट लेंगे। हम इसे लंबी लंबी फाकियों में काटेंगे। तो हम इस तरह से काटते हैं, जब जिस तरह से मैं काटती हूँ उस तरह से हम काटेंगे तो हमारे एकदम अच्छी तरह से निकल आएंगे, और सारे बीए भी हम अलग कर लेंगे इस तरह से काटने से। देखिए बीए वाला हिस्सा एकदम अलग हो जाता है। अब इसे हम लंबे लंबे काट लेंगे एकदम। इसी तरह हम 2 शिमला मिर्च काट लेंगे। तो हमारे शिमला मिर्च भी कट चुके हैं एकदम से अच्छे से। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जो घोल बनाया था उस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो शिमला मिर्च काटी हुई थी उसको अंदर डाल कर और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद उसमें हम डाल देंगे, मीडियम आंच हम रखेंगे, और सब शिमला मिर्च बेसन में डुबो डुबो के इसके अंदर डालते जाएंगे। और जब एक तरफ हो जाए तो उसे हम पलट लेंगे। और दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे दोनों तरफ एकदम अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो भी बचे थे उन्हें भी हम इसी तरह से पका लेंगे, और इन्हें हम चटनी और टमाटर सॉस और चिली सॉस के साथ सर्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं। और ये खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।